व्लॉग और टुडे इज वन ऑफ मार्च और आज हो रहा है सबसे स्पेशल है। मतलब महाशिवरात्रि और अभी तक आगे खुली नहीं है, 6:15 हो गए, तो अभी जल्दी से नहा धो के और रेडी हो गया हूँ मैं, और अभी सीधा चल रहे मंदिर और मंदिर जाके मिलते हैं आपसे। मृत्युंजय महादेवताभ्यो नमः। दक्षिण दिशा भैरव जी महाराज नमो नमः। अब भगवान हनुमान जी का ध्यान रखना है, पुष्प ले लो, अक्षत ले लो, गंध ले लो। और गाइस घर पे आ गया मैं अभी, थोड़े टाइम के लिए चाय, क्योंकि सुबह से कोई नाश्ता नहीं कर, पीछे से ब्लर हो रहा है क्योंकि स्क्रेच पड़ गया, आज पूरा दिन से पूजा में और उस चक्कर में ही था, तो मान सकते हो। और वहाँ पे इतना क्राउड है, रोमा दीदी, विक्कू, वैभव, वैभव शायद मेरे साथ है, वैभव मेरे साथ है, पीनू, विको, वैदिक सब संभालने में तुले, रोमा दीदी भी वहाँ पर रुकी हुई, तो अभी वहाँ जाके तो माहौल ही अलग हो रहा है। और आप सबके प्यार की वजह से ये सब हो पाया और ये सब हमने कर लिया है, तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और ये सब हम सब्सक्राइबर ने और मेरी जो फैमिली है, यस पंचाल ब्लॉग्स वाली फैमिली, उन सब की वजह से हो पाया है। और इसमें कहीं ना कहीं सारे दोस्तों की मेरी हेल्प, पीनू की हेल्प है, वैदिक की हेल्प है, वैभव की हेल्प है, तो बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और सब इसलिए सब अपना अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम वहाँ पे दे रहे, तो मज़ा आ रहा है। तो अभी जल्दी से जाए भी था, और वैभव पिकअप करने के लिए आ रहा है, और रोमांदी का कैमरा भी यहाँ पे पड़ा है, तो वो लेके सीधा जाके मिलते हैं आपसे मंदिर। गाइस अभी हमारे सब्सक्राइबर फैमिली, इसलिए यस पंचायत ब्लॉग्स की सब्सक्राइबर फैमिली फुल सेवा कर रही है यहाँ पे, ये रहे सब, और यहाँ पे हमारा बेटा हुआ ड्यूटी स्टाफ सारा संभाल रहा है। और अभी सब मंदिरों तरफ से भीड़ भीड़ की भीड़ ही है चारों तरफ, और पूरी रात से ये चल रहा है। और रोमा दीदी भी आ गए अंदर जाके, और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि रिको जी कितनी पब्लिक आ चुकी है, कितना लीटर दूध दे दिया अभी तक अपन ने? 100 लीटर। 100 लीटर हो गया, ऊपर हो गया होगा, तो और कितना चाहिएगा, और कितनी मंगाना है? अगर दूध कम पड़े शॉप करो चाहिएगा ना, शॉप करो नहीं, अभी यस पंचाल ब्लॉग्स देगा, अभी वहाँ से चल रहा है। ये आ गया हमारे वैदिक जी। सो फाइनली गाइज अब हमारा हो गया ओवर और है रेस्ट, और यहाँ पे बैठे हैं सारे दो। कितने लीटर दूध पिला दिया आज अपन ने? 100 लीटर हो गया। 100 लीटर लगभग 100 लीटर दूध की प्रसाद पिला दी, और अब हम भी थक चुके हैं, और
कुछ लोग हैं जिन्होंने फंक्शन बिगाड़ने की कोशिश की, हमने हमारे हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर कर दिया और वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। तो अब चुपचाप जाएंगे घर और आज तो उपवास है तो पहले जाके खाना खाएंगे और खाना मतलब सिगार खाएंगे, सिगार खा के फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो अभी के लिए तो अलविदा, फिर मिलते हैं जल्दी। फाइनली गाइज आ गया हूँ रूम में और बहुत ज्यादा ही थक गया और आज ऑलमोस्ट हमने 150 केजी मिल्क जिसकी प्रसाद बनाई, जो कि रोबजा के रूप में हमने पूरी जितनी भी पब्लिक आई थी उन सबसे वितरण की। थोड़ी बहुत हमारे सब आप सब लोगों की वजह से हो पाया क्योंकि थोड़ा बहुत यश पंचाल व्लॉग्स की फैमिली ने सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत आप सब लोगों ने सपोर्ट किया, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सब ने सपोर्ट किया, तो थैंक यू सो मच। और इस सब अच्छे काम को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से कम्प्लीट करने के लिए उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और आप सबका सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद, और मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट किया उनको बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद। और अभी फाइनली थक हार के वापस घर आ चुका हूँ मैं, क्योंकि हालत ख़राब हो रही है, बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो व्लॉग को करेंगे यहीं समाप्त। आशा करता हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और कल वाले व्लॉग में हम बताएंगे हमारे मंदिर की स्पेली इसलिए क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, वो सारी भी बताएंगे आपको कल के ब्लॉग में, क्योंकि आज तो शिवरात्रि होगी तो आज तो पूरा दिन सारे पंडित जी बिजी थे और मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो कल बिल्कुल मंदिर में जाके थोड़े पंडित जी से, थोड़े हमारे मूर्ति विभाग के जो जयपुर से अलॉट किए हुए हैं उनसे बात करते हुए आपको पूरे मंदिर की डिटेल अच्छे से देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इसी तरीके से प्यार देते रहिए, और आप सबका प्यार ही है जो कि हमें यहाँ खड़ा रखता है इसलिए यहाँ पे कैमरे के सामने। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से व्लॉग में, मतलब कल के व्लॉग में। और वैसे शार्क टैंक्स अच्छा लग रहा हो तो कमेंट कर दो, मिलते हैं आपसे।